क्लास 12 में लगने वाली बुक फ्लेमिंगो की पोएट्री सेक्शन की आज हम पढ़ने वाले एक इम्पॉर्टेंट पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। दोस्तों, इस पोएम को पढ़ने के पहले हम पोएट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, पोएम की थीम को समझेंगे और तब हम बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। मैं हूँ शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। दोस्तों, मेरी वीडियोज़ करती है आपके वोकैब को एनरिच, आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव और साथ ही साथ करती है मदद ताकि आप कर सके अपने एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं। अब स्टीफन स्पेंडर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 1909 से 1995 तक इनका लाइफ स्पैन रहा। ये यूएस और इंग्लैंड दोनों जगह ही काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड पोएट्स ग्रुप के एक पायनियर पोएट के तौर पर इन्हें देखा जाता था दोस्तों, और ये ग्रुप 1930s के डिकेड में काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस रहा। दोस्तों, अगर बात करें इनके अचीवमेंट्स की तो इन्हें नाइटहुड की टाइटल भी इंग्लैंड ने कन्फर की थी, यानी इन्हें सर की उपाधि मिली हुई थी। दोस्तों, क्या पता है आपको कि किस इंडियन लिटरेरी फिगर को नाइटहुड की टाइटल काफ़ी पहले मिल चुकी थी, यानी कि इन्हें सर की उपाधि मिल चुकी थी, और इन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के प्रोटेस्ट करने के लिए उस टाइटल को इंग्लिश गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया था। इसके आंसर को सर्च करके जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों, चलिए करते हैं शुरुआत थीम के बारे में। दोस्तों, अगर इस पोएम की टाइटल को देखिए तो लास्ट 3 वर्ड्स इस पोएम की टाइटल के एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम आपको इंडिकेट करेंगे कि ये पोएम जो है बात करती है सोशल इनजस्टिस की, क्लास इनइक्वालिटी की, और साथ ही साथ एजुकेशन डिप्राइव्ड पीपल के लिए क्या कर सकती है इस बारे में। तो चलिए देखते हैं इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को। दोस्तों, Far from the gusty waves, these children faces. Like rootless weeds, their hair torn round their pallor. These children faces, इन बच्चों के चेहरे. Far, far from gusty waves. Gust word से बना है gusty, and gust means a strong blow of wind, हवा का तेज झोंका. और वेव का अर्थ होता है समुद्र की लहरें। तो दोनों में एक एनर्जी है दोस्तों। तो पोएट कहना चाहते हैं इन चिल्ड्रन के फेसेस एक हाई लेवल ऑफ एनर्जी से बेहद दूर दिखते हैं, और उनके बालों के बारे में बताते हैं पोएट। कहते हैं लाइक रूटलेस वीड्स, और बिल्कुल रूटलेस वीड्स की तरह से। वीड्स स्टैंड फॉर अनवांटेड प्लांट, खर पतवार जिसे बोलते हैं कृषि की भाषा में, अवांछित पौधे जिस तरह से उखाड़ कर फेंक दिए गए हैं, ठीक वैसे ही इनके बाल टॉर्न राउंड देयर पैलर, उनके पैलर, पैलर स्टैंड फॉर येलोइश मैलनरिश्ड फेस, पीले पड़ चुके चेहरों के चारों तरफ टॉर्न राउंड बिखरे पड़े हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, क्लास में एक टॉल गर्ल है जिसने अपना हेड डाउन कर रखा है, और इसका हेड अपने बर्डन से नीचे कर रखा है इसने। किसका बर्डन दोस्तों? पॉवर्टी का बर्डन, ऑब्सक्योर फ्यूचर का बर्डन। पोएट इसी बात को इंडिकेट करने के लिए वेट डाउन का यूज करते हैं यहाँ पर। द पेपर स्विमिंग बॉय विद अ रैट साई, एक और दूसरे बच्चे के बारे में बताते हैं पोएट। कहते हैं पेपर स्विमिंग बॉय, ये पेपर की तरह थिन, पेपर जैसा दिखने वाला ये लड़का, विद अ रैट्स आई, चूहे जैसी आंखों वाला है। रैट्स आई क्यों? उसके पास रैट्स आई क्यों है? क्योंकि रैट्स की आईज को अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो इट ऑलवेज लुक्स फॉर फूड, कुछ ना कुछ खाने का चीज़ ढूंढता रहता है रैट। तो उसकी आंखों में जिस तरह भूख जाहिर होती है, ठीक वैसे पेपर स्विमिंग बॉय की आंखों में ये भूख जाहिर होती है। द स्टंटेड अनलकी एयर, और ये स्टंटेड हाइट का है। स्टंटेड का अर्थ होता है जिसकी हाइट को रोक दिया गया हो, ड्वार्फ कर दिया गया हो, इसकी हाइट कम हो गई है, और ये अनलकी एयर है। एयर का अर्थ होता है दोस्तों उत्तराधिकारी होना, अपने माता पिता से विरासत में किसी चीज़ को पाने वाला व्यक्ति एयर कहलाता है। बट ये माता पिता से जो विरासत में पाया उसे अनलकी इन्होंने कहा। अनलकी क्यों कहा? बिकॉज ही इज अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसे विरासत में
ट्विस्टेड बोन्स मिली हुई हैं, मुड़ी हुई हड्डियाँ मिली हुई हैं। इसकी हड्डियाँ शरीर की थोड़ी सी ट्विस्टेड दिख रही हैं। रिसाइटिंग हिज फादर्स नार्ल डिजीज, और वो अपने पिता की नार्ल्ड डिजीज, उस डिजीज को रिसाइट कर रहा है, फिर से दोहरा रहा है, जिसे जिसमें हड्डियां नॉल्ड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और इसी वजह से उसे अनलकी एयर कहा गया है। दोस्तों, रिसाइटिंग वर्ड को एक और चीज़ के साथ जोड़ के देखा जाए, रिसाइटिंग हिज लेशन फ्रॉम हिज डेस्क, वह अपने लेशन को अपने डेस्क पर बैठकर रिसाइट कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच की यदि बात करूँ तो जिग्मा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, यानी कि जब एक वर्ब से दो अदर वर्ड्स को जोड़ दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ही लॉस्ट हिज फाइल एंड जॉब, शी ब्रोक हिज हार्ट एंड कार। सिमिलरली यहाँ पे रिसाइट का यूज़ किया गया है, रिसाइटिंग नॉल डिजीज एंड हिज लेशन फ्रॉम हिज डेस्क। अब पोएट बात करते हैं उस एलिमेंट्री स्कूल, उस प्राइमरी स्कूल के क्लास में बैठे एक और बच्चे की। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, उस डिम क्लास में, अनलिट क्लास में, पुअरली लिट क्लासरूम के कॉर्नर में, बैक साइड में, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग चाइल्ड बैठा हुआ है। एक ऐसा स्वीट सा यंग चाइल्ड बैठा है, हु रिमेंड अननोटेड बाई पीपल, जिसे किसी ने ध्यान नहीं दिया। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम, और उसकी आंखें जो हैं वो ड्रीम्स में खोई हुई हैं, और किनके ड्रीम्स वो देख रहा है, स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम, कि किस तरह से स्क्वायरल अपने ट्री रूम, अपने वृक्ष के कोटर में खेल खेल रही है। रदर देन दिस रूम, जिस कक्षा में है वो, अदर देन दिस रूम, जिस कक्षा में बैठा है, उसके मुकाबले उसकी आंखें उस रूम में खोई हुई हैं जहाँ पे गिलहरियाँ खेल रही हैं। यानी वो फिजिकली तो क्लासरूम में प्रेजेंट है, बट मेंटली एब्जॉर्ब्ड है अपने उस ड्रीम के साथ। ऑन द सोर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस शेक्सपियर हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज स्टॉर्म राइडिंग ऑल सिटीज। पोइट बताते हैं कि अब कैसी दीवारें हैं उस स्कूल की, और इन दीवारों पे क्या क्या लगा हुआ है। सोर क्रीम वॉल्स, जिस तरह से क्रीम सोर हो जाए, रखे रखे खराब होने लगे, डिसकलर्ड होने लगे, वैसे यहाँ की दीवारें डिसकलर्ड हो चुकी हैं। और दीवारों पे क्या लगा है, डोनेशंस, जितने लोगों ने इस स्कूल को डोनेट किया है उनकी एक लिस्ट बनाकर लगाई गई है। शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर की एक पोर्ट्रेट लगाई गई है, और क्या लगाया गया है, डॉम राइडिंग ऑल सिटीज, डॉम लाइक स्ट्रक्चर्स, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ आर्किटेक्चर, जो अलग अलग आर्किटेक्चर के ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं, उनकी फोटोग्राफ, उनकी पोर्ट्रेट साइज फोटोग्राफ लगाई गई है। एट डॉन, और इन बिल्डिंग्स की फोटोग्राफ कब ली गई है, जब क्लाउडलेस डॉन है, डॉन स्टैंड्स फॉर अर्ली मॉर्निंग, और क्लाउडलेस, जब स्काई बिल्कुल क्लाउडलेस होती है, तब इनकी फोटोग्राफ ली गई है। और ये सारी फोटोग्राफ उस स्कूल के सोर क्रीम वॉल पे टंगी हुई है। इसके अलावा वेल्ड फ्लारी टायरोलस वैली ओपन हैंडेड मैप यहाँ पर लगे हुए हैं, फ्लावरी टायरलेस वैली की फोटोग्राफ, और साथ ही साथ ओपन हैंडेड मैप भी लगाया गया है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो कि इन बच्चों की दुनिया को एक दुनिया के बारे में बतलाता है। एंड येट दिस चिल्ड्रेन दीज विंडोज एंड नॉट द मैप, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन, और इसके बावजूद भी, यद्यपि वहाँ पे मैप तो लगा है, बट इन चिल्ड्रेन के लिए दिस विंडोज एंड नॉट द मैप, दुनिया देखने का जरिया मैप नहीं बल्कि इस क्लासरूम की खिड़कियाँ हैं। देयर वर्ल्ड, वहाँ से वो अपनी दुनिया देखते हैं, वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पे उनका पूरा पूरा फ्यूचर उन्हें दिखता है फॉग से पेंटेड। यानी कि जब फॉग होती है दोस्तों, तो इतनी ऑब्सक्योरिटी होती है, आप सामने देख नहीं सकते, दूर तक नहीं देख सकते, तो उनका पूरा पूरा फ्यूचर ऑब्सक्योर है, उन्हें कुछ नहीं दिखता कि आगे क्या होगा लाइफ में। तो इस तरह से
ये मैथ्स नहीं बल्कि इन क्लासरूम की खिड़कियां ही उन्हें उनकी दुनिया को दिखलाती हैं। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। ये बच्चे जिन स्ट्रीट्स में रहते हैं, गलियों में रहते हैं, इनके आगे की राह किसी हाईवे की तरफ नहीं है, हाईवे टू सक्सेस नहीं मिलता इन्हें। ये पतली सकरी सी गलियों में रहते हैं और इनका आसमां स्काई भी लीड जैसा है, हैवी और टार्निशेबल है। बिल्कुल आपने लीड एलिमेंट को देखा ना हो तो ग्रेफाइट कलर जैसा, ब्लैकिश सा है इनका फ्यूचर भी। ये फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से बेहद दूर, केप्स ऐसे खूबसूरती से बेहद दूर है जहाँ पे वाटर बॉडीज में बीच में लैंड निकला रहता है, उसे केप्स बोलते हैं दोस्तों। एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, और तारीफ के सितारों से भी बेहद दूर है। इन्हें कोई भी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, होप प्रोवाइडिंग, होप प्रोमिसिंग वर्ड्स भी नहीं सुनने को मिलते। स्टार्स ऑफ वर्ड्स से भी ये बच्चे बेहद दूर हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल विद शिप्स। अब क्लास में लगे जो पोर्ट्रेट हैं, जो पोस्टर्स हैं, उनके बारे में बात कह रहे हैं पोएट। कहते हैं निश्चित तौर पे इन बच्चों के लिए शेक्सपियर विकेड हैं, बिल्कुल ही गलत और बुरे व्यक्ति हैं। द मैप इज बैड एग्जाम्पल विद शिप्स, और ये जो मैप बनी हुई है जो सी रूट्स कनेक्टिविटी दिखलाती है, शिप कैसे ट्रेवल करेंगे, ये भी एक बैड एग्जाम्पल है इन बच्चों के लिए। शेक्सपियर विकेट इसलिए भी हैं दोस्तों क्योंकि वो बड़े ही पढ़े लिखे, क्लास के बीच प्रसिद्ध रहे हैं। साथ ही साथ अगर उनकी प्लेस के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो उन्होंने ड्यूक, डचेस, किंग्स, क्वींस और रॉयल फैमिलीज के बारे में बात की हुई है, तो इसलिए शेक्सपियर इन बच्चों के लिए एक सही एग्जाम्पल नहीं है। और ये मैप That shows ships and sun and love, tempting them to steal. और ये जो मैप है जो बच्चों को सन की तरफ दिखलाता है, शिप की तरफ दिखलाता है, और शेक्सपियर जिनकी स्टोरीज में लव है, ये सब कुछ इन बच्चों को टैम्प्ट करते हैं, एल्योर करते हैं, ताकि वो स्टील करें, चुरा सकें, क्योंकि इन्हें ये लाइफ नसीब नहीं होती इस तरह से। तो For life that slowly turned theirs in cramped holes from fog to endless night. क्योंकि इनका जो जीवन है slyly, बड़े craftly, बड़े cunningly, बड़े trickily, turned there in cramped hole, धीमे धीमे cramped hole की तरह, hole की तरह, छेद की तरह, एक छोटे से जगह की तरह cramped होता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, इसके पहले कि ये बच्चे समझ पाए। इनका जीवन cramped hole में तब्दील सा हो जाता है। From fog to endless night, जहाँ पे उनका जीवन fog से शुरू होता है, obscurity से शुरू होता है, and endless night, और कभी न खत्म होने वाले अंधेरी रात की तरह चालू रहता है। यानी कि न तो इनका future obscure है और न ही इनके painful nights का कोई morning इन्हें मिल पाता है। तो इस तरह का ये life इनको सामने दिखता है, इस तरह की life इनके predecessors जी रहे हैं। On the slag heap, these children wear a skin peeped through their bones and spectacles of a steel with a mended glass like bottle beads on stones. On their slag heap, slag का अर्थ होता है दोस्तों waste dump material. तो waste dump material के heap पर, pile पर बैठे हुए ये बच्चे, These children, ये बच्चे, wear a skin, उन्होंने skin पहन रखी है, skin इनके शरीर पे भगवान ने कुछ इस तरह से पहना रखी है, which peep through their bones, जो हड्डियों से झांकती है, यानी कि इनकी skin से ज़्यादा तो इनकी हड्डियाँ visible हैं, ये इतने माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, इतने कुपोषण के शिकार हैं, कि इनकी हड्डियाँ ज़्यादा visible हैं इनकी skin के मुकाबले, तो इन्होंने skin पहन रखी है मानो हड्डियों के ढांचे पर, and स्पेक्टिकल्स, और क्या पहन रखा है, स्पेक्टिकल पहन रखा है, विद अ मेंडेड ग्लास, जिसकी ग्लास, जिसका शीशा मेंड किया गया, किसी तरह मरम्मत किया गया है टूटने के बाद। इनके पास इतने पैसे नहीं कि अपने ग्लास को चेंज करा सके स्पेक्टिकल्स की, एंड किस तरह से ये ग्लास इनकी टूटी हुई है स्पेक्टिकल्स की,
लाइक बीटल, लाइक बॉटल बीट ऑन स्टोन, जिस तरह से किसी बॉटल को स्टोन पे गिरा दिया जाए तो उस पे दरारें पड़ जाती हैं, टुकड़े टुकड़े में हो जाता है, वैसे इनके स्पेक्टिकल्स पे तमाम दरारें पड़ी हुई हैं। किसी तरह से मेंड करके ये बच्चे इस स्पेक्टिकल को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आपको जुग्मा देखने को मिलेगा, जहाँ पे वियर वर्ब के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं, स्किन और स्पेक्टिकल। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद अ स्लम एज बिग एज डूम। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी, उनका टाइम और स्पेस दोनों ही फॉगी स्लम में बीतता है, और इस वजह से इट ब्लॉट देयर विजन, वो उस मैप को समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज मैप टू अपीयर्स देम लाइक बिग एज डूम, ये मैप भी उन्हें डूम की तरह, विध्वंस की तरह ऑल परवेसिव दिखता है, बड़ा सा दिखता है। दोस्तों टू डायमेंशंस आउट ऑफ थ्री, टाइम और स्पेस इनका फॉगी है, और कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा दिखता है, ए जॉन्डिस्ड आई सी एवरीथिंग येलो, तो कुछ ऐसा ही इन बच्चों के साथ है। इन्हें मैप भी लगता है, अच्छा मैप भी कुछ इस तरह ही स्लम जैसा ही होगा, और ये तो और भी बहुत बड़ा है, यानी कि यहाँ तो डूम जैसी सिचुएशन होगी, अगर हम इतने प्लाइट अनमिजरेबल सिचुएशन में हैं तो जहाँ पे इस तरह का स्लम, इतना बड़ा सा स्लम मैप के तौर पे दिख रहा है उन्हें, वो उसे मैप को भी स्लम जैसा समझते हैं, तो इट अपीयर्स देम एज बिग एज डूम। आप इसे इस तरह से भी समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप्स बिकम देयर विंडो, दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्ब्स। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर आ करके पॉजिटिव इनिशिएटिव लेकर के चेंजेस नहीं करते हैं, तब तक दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये मैप ही शायद दुनिया को देखने का एक विंडो है इन बच्चों के पास। एंड दीज विंडोज, और ये जो खिड़कियाँ भी हैं, शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्ब्स, ये जो खिड़कियाँ हैं जो इन्हें सामने का नज़ारा दिखाती हैं, स्लम का नज़ारा दिखाती हैं, ये तो इनकी लाइफ पे कैटाकॉम्ब्स की तरह सब कुछ, सारी अपॉर्चुनिटीज़ को बंद कर देती हैं। कैटाकॉम्ब्स कहते हैं दोस्तों बरियल चैम्बर को, जहाँ बहुत सारी लाशें दफन होती हैं। तो सिमिलरली ऑल देयर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन कम्स टू एन एंड व्हेन दे सी थ्रू द विंडो देयर स्लम, देयर लीड स्काई एंड द लाइफ देयर प्रेडिसेसर्स आर रीडिंग लाइक। तो वो विंडो से बाहर जब देखते हैं तो इन्हें तो अपना पूरा का पूरा वर्ल्ड अंधकार में दिखता है, और जब तक गवर्नर, विजिटर्स, इंस्पेक्टर्स, ऑफिसर्स पॉजिटिव इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तब तक इन बच्चों के जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, यहाँ पोएट अपील करते हैं उनके बंधनों को तोड़ने में मदद करिए, तब तक उनकी मदद करिए, टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक वो अपने सारे बंधनों को तोड़ के शहरों तक नहीं पहुँच जाते हैं। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उन्हें क्या दिखलाइए, उन बच्चों को हरे हरे मैदान दिखलाइए, अब तक वो स्लम्स में रहे हैं, उन्हें नई दुनिया दिखलाइए, एजर क्लियर ब्लू स्काई को दिखलाइए, एंड लेट देम रन ऑन अ गोल्ड सैंड्स, और उनको सुनहले रेत पर दौड़ने दीजिए, उनके फ्यूचर को एक्सप्लोर करने दीजिए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, एंड उनके टंग्स को रन करने दीजिए, रन नेकेड विदाउट एनी बर्डन, बिना किसी बोझ के उनकी जुबान को, किताबों को पढ़ने दीजिए, सीखने दीजिए, कविताओं को पाठ करने दीजिए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, उन्हें प्रकृति और किताबों के थ्रू जाने दीजिए। ओपन हिस्ट्री, उन्हें इतिहास को पढ़ने दीजिए। ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, उन्हें उनके इतिहास को खोल के पढ़ने दीजिए जिनकी जुबान सन ने भी बोली है, यानी कि जिन्होंने सन की तरह खुद को बर्न किया है, खुद को कंज्यूम किया है, ताकि वो वर्ल्ड को इनलाइटन कर सकें, उन लोगों की हिस्ट्री को इन बच्चों को पढ़ने दीजिए। बस आज की पोएम को यहीं करते हैं एंड दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।